ये लव मैरिज की बीमारी जो है ना, चाहे कुछ भी हो, हम उसे अपने घर में नहीं घुसने देंगे। और जारा, अलीना शहबाज अहमद की शादी सैयद अनस से ही होगी। रुकना चाहती हूं, रुक कर बताओ। और ये भी, ये सब कुछ असद भाईजान के यहां से आया है खास तुम्हारे लिए। कुछ ही देर में मेहमान घर आते ही होंगे बेटा। और हाँ, ये तुम्हारे नाम के बैंक अकाउंट की पासबुक। अम्मी, हमारे लिए पासबुक क्यों? अलीना, जब तुम पैदा हुई थी ना, तब से ही हमने तुम्हारे नाम का बैंक अकाउंट खुलवा दिया था। तब से लेकर अब तक तुम्हारे अब्बू जो भी पैसे देते या कोई भी तोहफा देते तो हम इस अकाउंट में जमा कर देते थे। अब तक जितने भी पैसे जमा हुए हैं सब तुम्हारे। एक माँ की तरफ से अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए ये शादी का तोहफा। अपने अम्मी अबू पे भरोसा रखो, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते बेटा। अनस तुम्हारे लिए हीरा है, हीरा। अनस से अच्छा लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता। अम्मी, हमने कल रात को इश्तिहारा किया था। अनस के नाम का इश्तिहार? नहीं, हमने हमें और अनस में से किसी एक को चुनने के लिए इश्तिहारा किया था, पर अल्लाह ने हमारे दिल में आमिर का ख्याल डाला। इश्तखारा का मशवरा तुमने दिया इसे? मम्मी, अलीना हमारे पास आई थी, वो शादी के मसले को लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने अलीना को इश्तखारा करने को कहा। हमने भी इश्तखारा किया, रो रो के खुदा से दुआ की है कि हमारी बेटी के लिए अनस सही है या आमिर। पता है अल्लाह ने हमारे दिल में क्या ख्याल लाया? अनस। अब तुम ही बताओ किसका इश्तखारा सही है। भाभी, क्या ऐसा हो सकता है? अलीना, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इश्तखारा ना सच्चे दिल से किया जाता है। तुमने अपने दिल में और अपने दिमाग में आमिर को बिठाकर इश्तखारा किया होगा, इससे तुम्हें आमिर दिखाई दिया। अम्मी ने अपने जहन में अनस को रखा, इसलिए उनके जहन में अनस ही रह गया। अब अगर तुम और अम्मी फिर से इश्तखारा करो अपने जहन में आमिर और अनस को बराबर की जगह देकर, फिर अल्लाह से यही दुआ है कि वो किसी एक पर मोहर लगा दे। अम्मी, आप हमारी बड़ी हैं, हमसे बेहतर जानती हैं, हमसे काफी ज्यादा जानती हैं, लेकिन इश्तखार के बारे में हमने भी काफी कुछ पढ़ा है। इश्तखार सच्चे दिल से करना होता है, जिसमें हमें अल्लाह पर पूरा यकीन होना चाहिए, तभी नतीजा मिलता है। सही कहा तुमने, हम तुमसे बड़े हैं और बहुत कुछ जानते हैं, तुमसे पहले पैदा हुए इसलिए हमें समझाने की कोशिश मत करो। हमने कहा था ना अलीना से मत मिलना, मगर तुम बाज नहीं आए। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले हैं, खुदा का वास्ता है तुम्हें, उनके सामने मत आना। चुपचाप अपने कमरे में रहना, अगर नहीं रह सकती तो अपने अम्मा के घर चले जाना, लेकिन मेहमानों के सामने मत आना। जारा, हम कह रहे हैं। अब जाओ यहां से। अम्मी, आप
तैयार हो जाओ और जल्दी। आखिर तुम चाहती क्या हो जारा? लाख समझाने के बावजूद तुमने असद भाई जान के सामने आमिर का जिक्र कर ही दिया ना। वो तो अच्छा हुआ अम्मी, अच्छा हुआ जो अलीना ने जारा की बात नहीं सुनी, वरना इतना अच्छा रिश्ता खामखा हाथ से निकल जाता। तुम्हें क्या लगता है, हम अपनी बेटी के दुश्मन हैं, उसकी खुशी नहीं चाहते? ऐसा नहीं है अम्मी, लेकिन हम... लेकिन क्या, हर बार हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए हमने अपने शौहर अपने बेटी की मुखालफत की या नहीं की? तो फिर जब आज हमें तुम्हारी जरूरत है तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो? अम्मी अगर यहाँ बात हमारी होती तो हम आपके साथ खड़े होते, खुशी खुशी खड़े होते, सब भूल कर खड़े हो जाते। लेकिन यहाँ बात हमारी नहीं है, यह मसला अलीना का है, उसकी जिंदगी का सवाल है और हम उसकी खुशियों को सूली पर नहीं चढ़ा सकते। दरअसल तुम अलीना की खुशियाँ चाहती ही नहीं हो जारा। उसकी खुशियों के बीच में सबसे बड़ी रुकावट तुम क्यों नहीं समझती हो जारा? आमिर अलीना को वो जिंदगी नहीं दे सकता जो अनस दे सकता है। हमारी इकलौती बेटी है, उसे नाजों से पाला है, वो ऐशो आराम वो सब कुछ आमिर नहीं दे सकता जारा, उसे नहीं दे सकता। वो अलीना की ख्वाहिश आमिर है, क्या हम उसे आमिर दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना अम्मी, हर चीज जिंदगी में ऐशो आराम नहीं होता है। क्या प्यार की कोई जगह नहीं है? एक बार आप लोग सोचिए, जाने अनजाने आप लोगों ने बार बार अलीना पर कितना दबाव डाला है, हर बार उसे घर वालों का वास्ता दिया है, घर वालों की कसम दी है, घर वालों की इज्जत, घर वालों का प्यार, हर बार इन चीजों का हवाला दिया है, वो कहां से अपनी बात रखेगी? मम्मी हर बार खानदान की आबरू लड़कियों के कंधे पे क्यों रख दी जाती है? और आप यकीन के साथ कह सकते हो कि अलीना को उसी नंबर से मैसेज किया गया था? यही सच्चाई है कबीर साहब, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? शुक्रिया। आप तो एक औरत है ना अम्मी, हमें आपको समझाने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? आप तो जानती है ना, जब कोई बात दिल से नहीं निकलती तो वो बात झूठ होती है। अम्मी अलीना ने भी शादी के लिए इकरार दिल से नहीं किया है। आप लोगों ने उस पर दबाव डाल डाल कर ना उसके जज्बातों की सूली चढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने उसकी शादी अनस से करवा दी तो हर दम हर पल वो घुट घुट के जिएगी और इस सब के जिम्मेदार भी आप सब होंगे। ये जज्बात से भरे तकरीर बयां करके अम्मी को बरगलाना बंद करो जारा। यहाँ सब जानते हैं कि तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम्हारे अब्बू का जो झूठ है वो सबके सामने ना आ जाए। अम्मी आप चुप क्यों खड़ी हैं? जब हमने और काशान ने एक गलती की थी, उस एक गलती की सजा ये थी कि आपने हमारा हाथ पकड़कर इस घर के दरवाजे से हमें धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, और आज जारा की वजह से अलीना के ससुराल वालों के सामने न सिर्फ उसकी शादी टूटती बल्कि इस घर की इज्जत। आप हमारा मुंह ना खुलवाएं तो बेहतर होगा सीनन भाभी, और अलीना की ये झूठी फिक्र दिखाना ना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं अलीना को वो मैसेज आमिर के नाम से आपने ही भेजा था। अम्मी ये क्या बोल रही? जी आपने उसे उकसाया था ना घर से भागने के लिए। झूठ। झूठ बोल रही हो तुम जारा। वो मैसेज सीनत भाभी ने नहीं, तुमने भेजा था। Thank you.
तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी जारा ऐसा करेगी? हमने ऐसा नहीं किया। बहाने बना रही हो तुम। सिम के डिटेल्स हमने निकाले जारा। सिम के रजिस्ट्रेशन पर तुम्हारा नाम निकला। हमने ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा करेंगे? झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ बोल रही हो तुम। बस बहुत हुआ जारा, तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। कबीर, कबीर। जी अम्मी। ये सब क्या हो रहा है बेटा? जारा पे गुस्सा निकाल रहा? जारा पे नहीं अम्मी, खुद पे। खुद पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो बेटा? अजीब लग रहा है अम्मी, दिल मानने को राजी नहीं है कि जारा अपना नजरिया सही साबित करने के लिए ऐसी हरकत भी कर सकती है। अम्मी हमने गलती कर दी, हमें लग रहा है हमें थोड़ी और तहकीकात करनी चाहिए थी, ऐसी कुछ सोचना चाहिए था। बस उसे इसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। बस एक बार अलीना की शादी हो जाए फिर इस मसले को भी सुलझा लेंगे। बेटा फिलहाल तो ये सोचो कि अलीना की शादी कैसे करनी है। हमने तो थोड़ी बहुत तैयारियां भी कर ली हैं। अनस की ये शेरवानी सिलवा ली है, अलीना का शादी का जोड़ा तैयार है। और हाँ बेटा, अबू को तुमसे कुछ बात करनी है, उनसे मिलाना। जरूर। सब ठीक हो जाएगा। कि मन कर रहा है कि तुमसे फिर से शादी कर ले। तो कर लो शादी, किसने रोका है? बस ये बताओ कि कल का क्या प्लान है? कल तो हंगामा होगा काशान, बहुत बड़ा हंगामा। असर की नमाज के बाद अलीना की शादी अनस से हो रही होगी। फिर हम शहर के मुहासिब लोगों को ये कहेंगे कि शहबाज अहमद खानदान की बेटी का आमिर से 6 महीने पहले हुआ निकाह उसका जश्न है। आप सबको उसी जश्न के लिए बुलाया जा रहा है। लोग तो आएंगे आमिर और अलीना के वलीमे में, लेकिन देखेंगे कि अलीना की शादी तो अनस के साथ हो रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। आमिर और अलीना के वलीमे में अलीना और अनस का निकाह, आमिर की बीवी किसी और के साथ निकाह कर रही है। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी काशान, सवालों की बौछारें होंगी, सबके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ होश उड़ाने से क्या होगा जीनत? कबीर के धमकाने के बाद आमिर उसके और अलीना की तलाक की एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में देगा, फिर अनस और अलीना के निकाह पे किसको हैरत होगी? आमिर ने एप्लीकेशन अभी तक शरिया बोर्ड में नहीं दी है काशा, और जब वो कल शरिया बोर्ड में वो एप्लीकेशन देने जाएगा तो शरिया बोर्ड के आदमी के भेस में उसे हमारा आदमी मिलेगा जो वो उससे वो एप्लीकेशन लेकर हमें देगा। भाई हमारे पास भी तो सुबोध होना चाहिए ना। वो एप्लीकेशन शरिया बोर्ड में रिकॉर्ड के तौर पर होगी, ना ही आमिर और अलीना का तलाक होगा, तो फिर अनस से शादी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आमिर और अलीना ने खुद कबूल किया कि उनका तलाक हो चुका है तो फिर शरिया बोर्ड के रिकॉर्ड्स का क्या फायदा? काशान, कल से ना हम तुम्हें बादाम वाला दूध पिलाएंगे ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा तेज हो जाए। खुद सोचो, जब कल तलाक और शादी के बारे में बहस होगी तो साबिर साहब अलीना के हाथ में कुरान शरीफ रखेंगे और अलीना से कहेंगे कि इस कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाओ कि आमिर और तुम्हारा तलाक हुआ है या नहीं, और वहां वहां तुम्हारी छोटी बहन फंस जाएगी, वो कुछ बोल नहीं पाएगी, उसे सच ही बोलना पड़ेगा। तो जब शादी ही नहीं हुई तो तलाक किस बात का? अब समझ में आया? कबीर और काजी का सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने अपने ओहदे का जो गलत इस्तेमाल किया है उन्हें उसकी सजा मिलेगी काशा। कबीर और काजी को जलील होता देखकर हमें बड़ा मजा आएगा।
सीनत काशान हॉल में आओ। अम्मी डिजाइनर से बात हो गई है, सब टाइम पे हो जाएगा। हाँ काशान ये देखो। क्या हुआ कबीर, कुछ परेशान से लग रहे हो? पता नहीं मैंने आमिर का नंबर किस नाम से सेव किया था, याद नहीं आ रहा हमने क्या लिखा था। अरे हमसे ले लो ना, हमारे पास नंबर है। आदाब जारा भाभी, क्या आपको जीनत भाभी के खिलाफ कोई सबूत मिला? आमिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही हमें कोई सबूत मिल रहा है। हमने सारे कमरे खंगाल लिए हैं। हमें जीनत भाभी को बेनकाब करना है, अलीना का निकाह होने से रोकना है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो अलीना का निकाह हो जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। जीनत भाभी ने हमारे नाम पर सिम कार्ड खरीदा, उसके बाद अलीना को मैसेज किया और उसे उकसाया कि वो भाग जाए, और फिर हमारा नाम लगा दिया ताकि घर वाले हमारे खिलाफ हो जाए और हम अलीना और आमिर की शादी नहीं करवा पाए। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा जीवन भाभी ने ये सब किया क्यों, इसमें उनका क्या फायदा है? नहीं ऐसा तो नहीं कि वो अलीना और आमिर का निकाह नामा झूठा साबित करने के लिए ये सब कर रही है ताकि इस घर की इज्जत उछल जाए? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन हमें कोई सबूत तो मिलना चाहिए। सिम कार्ड खरीदा होगा तो कोई रसीद या कुछ। याल्ला मदद फरमा। या अल्लाह, जारा को सबूत ढूंढने में मदद कर। या अल्लाह, बचपन से लेकर आज तक अगर तूने हमारी एक भी नमाज कबूल की है तो आज कोई करिश्मा दिखा दे। तुझे तेरे हबीब का वास्ता, जो गलत हुआ है उसे सही कर दे मेरे मौला। चलिए काजी साहब, निकाह पढ़िए। अल्लाह, ये जारा कहां रह गई? अब हम अलीना का निकाह पढ़ाने से कैसे मना करें? क्या हुआ काजी साहब, खैरियत? पानी मिलेगा थोड़ा? कबीर,
शुक्रिया। हमने सबको 5 बजे का वक्त दिया था, 5 बजने में बस 5 मिनट बाकी है। तुम जाके बाहर देख कर तो आओ कि सब आए हैं कि नहीं। हम आते हैं कबीर जी। गवाह कौन है? हम बनेंगे गवाह। आमिर और अलीना के वलीमे में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अलीना का निकाह तो अनस के साथ हो रहा था, ये आमिर और वलीमा कहां से आ गया? आइए आइए, खैर मकदम है आपका। बखुदा शहबाज भाई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों भाई, क्या हुआ? भाई अकलौती बेटे की शादी कर ली और हमें खबर तक नहीं, और सीधा वलीमे की दावत। आपकी शिकायत जो है वो जायज है, शिकायत सर आंखों पर। हम आपको बुला नहीं पाए, उसके लिए माजरा चाहते हैं। आइए, खेल खत्म हो गया यहां। अब कबीर और काजी को झूठा साबित करके शरिया बोर्ड को हासिल करने का मामला तो गया, लेकिन बची अलीना। आज उसे यहां से उठाएंगे और उठाने के बाद उसके साथ निकाह करेंगे। लुक, ये क्या कर रहा है? हमारा खेल खत्म हो चुका है, चल यहां से। अलीना के दूल्हे मियां आमिर। अदब। कबीर मियां, चुप क्यों है? कबीर मियां, आज सिर्फ आपकी इज्जत दांव पे नहीं है बल्कि हमारे शौहर की भी है, और आपके कहने पर ही हमारे शौहर ने निकाह नामे का झूठ कहा। ये देखिए, काजी साहब के पास रखे हुए अलीना और आमिर के निकाह नामे की कॉपी। क्या अलीना की जिंदगी बचाने के लिए काजी साहब का बनाया हुआ निकाह नामा आज झूठा साबित होगा? क्या ये इंसाफ होगा? बताइए कबीर मियां। भाभी आप घबराइए मत, आज सवाल सिर्फ काजी साहब के बनाए इस झूठे निकाहनामे के दुनिया वालों के सामने आने का नहीं है, सवाल आज इस घर की इज्जत का भी है। असद मियां, क्या आप हमारी मदद करेंगे? काजी साहब की इज्जत बचाने में क्या आप हमारा साथ देंगे आज? बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम और हमारा बेटा अनस आपके साथ है। शुक्रिया अनस मियां, तुम्हें जल्द से जल्द ये दूल्हे का सेहरा उतारना होगा, और हमें जल्द से जल्द ये निकाह का स्टेज यहां से हटाकर एक वलीमे का स्टेज तैयार करना होगा, जहां पर आज यहां अलीना और आमिर का वलीमा होगा। अबू,
माफ कीजिए मगर हमें आपसे बात करनी है। हम तुम्हारी बात सुनेंगे मगर हमारे पास अब वक्त नहीं है कबीर। हमने कहा ना, इस घर की इज्जत का सवाल है, काजी साहब की इज्जत का सवाल है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो। ये आमिर कौन है, कहाँ है? एक मिनट आमिर।